जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और काफी टाइम बाद एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा 1600 मीटर के ऑफ सीजन वर्कआउट के बारे में। क्योंकि मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हमें 1600 मीटर का वर्कआउट बताइए। इतने सारे बच्चों को मैसेज करना, सेपरेट वर्कआउट देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा ऑफ सीजन वर्कआउट के बारे में 1600 मीटर का। तो आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वर्कआउट है उन बच्चों के लिए है जिनका टाइमिंग 5:20 से नीचे है। इस वर्कआउट को आप अच्छे से करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पूरी रिपीटेशन नहीं लगाओगे, रिपीटेशन बीच में छोड़ दोगे, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरा वर्कआउट करते हो तो आपको पक्का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनना, जितने भी लोग सेपरेट वर्कआउट चाहते हैं, पर्सनल वर्कआउट चाहते हैं, उनके लिए मैंने कल से एक पेड वर्कआउट स्टार्ट कर दिए हैं। जिसको भी चाहिए हो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन होके आपको सेपरेट वर्कआउट दिया जाएगा, पेड वर्कआउट दिया जाएगा। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वर्कआउट लेना, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, उनके लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। वो भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको वर्कआउट डेली फ्री मिलेगा। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मेन वर्कआउट, जो कि मंडे से लेके सैटरडे तक रहेगा। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप समझोगे नहीं तो करोगे कैसे। इसलिए ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं पहले भी बताया था कि आपको अगर कोई भी वर्कआउट करना है तो 3 वीक से ज्यादा नहीं करना है। बट मैं यहाँ पे आपको वर्कआउट दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बार बार वर्कआउट नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आपको एक वर्कआउट दे रहा हूँ ऑफ सीजन के हिसाब से। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, जो सबसे जरूरी चीज है। तो आप ध्यान से सुनना, मंडे मॉर्निंग में जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा 15 मिनट इजी रन, और उसके बाद में रहेगा स्ट्रेचिंग कोर एक्सरसाइज। ये हो गया मंडे मॉर्निंग का। और इवनिंग में जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा 300 मीटर की 4 रिपीटेशन, और जो रिपीटेशन का टाइम रहेगा वो रहेगा 45 सेकंड से 48 सेकंड। जैसे ही आपकी 4 रिपीटेशन खत्म हो जाती हैं, रिपीटेशन खत्म होने के बाद में आपको 6 मिनट का रेस्ट करना है। एक चीज और ध्यान से सुनना, जो ये 300 मीटर की रिपीटेशन है, जब आप एक रिपीटेशन लगाओगे और दूसरी रिपीटेशन लगाओगे, उसके बीच का जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका 3 मिनट का। नेक्स्ट है आपकी 200 मीटर की 4 रिपीटेशन, उसमें एक रिपीटेशन का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 28 से 30 सेकंड। 4 रिपीटेशन लगानी है, एक 200 मीटर रिपीटेशन लगाने के बाद में जो दूसरी 200 रहेगी उसके बीच में जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा 2 मिनट का। ये हो गया आपका मंडे का वर्कआउट। एक चीज और ध्यान से सुनना, आपको मैंने इसमें वार्म अप नहीं बताया है, वार्म अप आपको खुद करना है। मैंने आपको कूल डाउन नहीं बताया है, कूल डाउन आपको खुद करना है। और आपको स्ट्रेचिंग नहीं बताई है, स्ट्रेचिंग भी आपको खुद करनी है और डेली करनी है। वार्म अप भी डेली करना है और कूल डाउन एक्सरसाइज भी डेली करनी है। सारी चीज मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्यूजडे मॉर्निंग। ट्यूजडे मॉर्निंग में आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है। अगर आपके पास जिम है, वेट ट्रेनिंग है, तो आप जिम कर सकते हो। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है, जैसा कि मैंने वीडियो में डाला हुआ है। नेक्स्ट है वार्म अप करना है इवनिंग में, और 4 स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड रहेंगी आपकी 60 से 70 मीटर, और उसके बाद में आपको पार्टनर स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे ही आपका ट्यूजडे का वर्कआउट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे मॉर्निंग में आपको फैट लेग ट्रेनिंग करनी है, और फैट लेग ट्रेनिंग में क्या रहेगा, आपको कंटिन्यू 20 मिनट करनी है। और जो इसका सिक्वेंस रहेगा वो रहेगा, आपको 1 मिनट स्लो करना है, उसके बाद में 45 सेकंड फास्ट करना है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, इसलिए आप ध्यान देना, 1 मिनट स्लो करना है और 45 सेकंड फास्ट करना है। इवनिंग में रेस्ट रहेगा, उसके बाद में हम आते हैं थर्सडे मॉर्निंग। थर्सडे मॉर्निंग में जो वर्कआउट रहेगा 200 मीटर की 14 रिपीटेशन, 200 मीटर की 14 रिपीटेशन। जो एक रिपीटेशन का टाइम रहेगा वो रहेगा 30 सेकंड से 32 सेकंड, और एक रिपीटेशन से दूसरी रिपीटेशन के जो बीच में रेस्ट रहेगा वो रहेगा 60 सेकंड से 75 सेकंड। इसके बाद में जैसे ही आपकी 7 रिपीटेशन हो जाती हैं, 7 रिपीटेशन के बाद में आपको 6 मिनट का रेस्ट करना है, फिर से आपको 7 रिपीटेशन लगानी है,
जैसे कि आपने पहली सात लगाई थी, ठीक है। इसके बाद में हो गया थर्सडे का वर्कआउट खत्म मॉर्निंग का, इसके बाद में आते इवनिंग। इवनिंग में आपको 15 मिनट इजी रनिंग करना है, इजी जॉगिंग जॉगिंग, उसके बाद में आपको कोर एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे वार्म अप नहीं बताया है और ना ही मैंने आपको कूलिंग डाउन एक्सरसाइज बताई है, वो आपको अपने आप करनी है, उसके बाद में ही आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है वार्म अप के बाद। अभी हम आते हैं फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग में जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा आपका बॉडी वेट ट्रेनिंग। अगर आपके पास बॉडी वेट ट्रेनिंग के अलावा आपके पास जिम है तो आप जिम कर सकते हैं। उसके बाद में इवनिंग में आप वार्म अप करेंगे और हडल्स एक्सरसाइज करेंगे, हडल्स ड्रिल करेंगे, उसके बाद में कोर स्ट्रेंथ करेंगे। ये हो गया आपका फ्राइडे का वर्कआउट। इसके बाद में आता है सैटरडे। सैटरडे मॉर्निंग का ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि ये वर्कआउट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, वार्म अप के बाद में 600 मीटर की दो रिपीटेशन लगानी है और रिपीटेशन का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1:45 से 1:50 और एक रिपीटेशन से जो दूसरी रिपीटेशन का रेस्ट रहेगा वो रहेगा 2 मिनट। और जैसे ही आपकी 600 मीटर की दोनों रिपीटेशन कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद में आपको 5 मिनट का रेस्ट करना है। एक सेट आपका खत्म हो गया 600 वाला, उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी 400 मीटर की दो रिपीटेशन। अब इसमें आपको 65 सेकंड से 75 सेकंड में एक रिपीटेशन कंप्लीट करनी है। जैसे ही आपकी एक 400 खत्म होती है उसके बाद में आपको 2 मिनट का रेस्ट करना है और फिर से आपको 400 लगानी है। जो ये 400 का आपका टाइम रहेगा जैसा कि मैंने बता दिया है 65 से 70 सेकंड, मतलब कि 1 मिनट 5 सेकंड से 1 मिनट 10 सेकंड तक रहेगा। सबसे लास्ट जो रिपीटेशन रहेगी इसमें, जैसे ही आपकी 400 की दो रिपीटेशन कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद में आपको रेस्ट करना है 6 मिनट का और लास्ट में आपको लगानी है 200 मीटर। 200 मीटर का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 28 सेकंड और आपको एक ही रिपीटेशन लगानी है। ये हो गया आपके वीक का वर्कआउट कंप्लीट। सैटरडे इवनिंग में आप रेस्ट करोगे और संडे को आप मसाज करोगे। मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप वीक में एक बार मसाज जरूर करें। ये हो गया आपका एक सप्ते का वर्कआउट। तो इसके बाद एक चीज और ध्यान से सुनना, जितना भी मैंने वर्कआउट बताया है वो आपको ध्यान से करना है। आप पूरा करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप पूरा कंप्लीट वर्कआउट करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक चीज और ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी आपको वर्कआउट बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कभी भी किसी भी एथलीट को, किसी भी भर्ती वाले बच्चे को 3 सप्ते से ज्यादा वर्कआउट नहीं देता हूं। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको खुद करेक्शन करना है इसमें, क्या पता नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर ना आए, टॉपिक चेंज हो जाए। इसलिए जहां पे मैंने रिपीटेशन बड़ी रिपीटेशन दी है वहां पे आप चेंज करोगे, टाइम चेंज करोगे, उससे रिलेटेड अगर आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं काफी सारे बच्चों को रिप्लाई भी देता हूं। और एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैंने अभी पेड वर्कआउट स्टार्ट कर दिए हैं। जिसको सेपरेट वर्कआउट चाहिए हो वो व्हाट्सएप इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, यहां पर आपको पेड वर्कआउट भी मिलेंगे और यहां पर आपको फ्री में वर्कआउट भी मिलेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें।